हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया का सेकेंड टाइप, दैट इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज अ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जैसे कि नाम से क्लियर है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ओके, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर करना या बनाना। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब ये जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, बेसिकली दो टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या इसी को बोला गया है फोटो ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकेंड होता है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पहले स्टूडेंट्स कि मैं आपको बताऊं कि ये सारे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के जो टाइप्स हैं एंड इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके पीछे कंसेप्ट क्या है, तो उसके पहले चलिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं कि किस तरीके से ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन देखने को मिलता है वो दो टाइप का होता है स्टूडेंट्स। वेरी फर्स्ट इज अ हीटरोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज अ ऑटोट्रॉफिक। हीटरोट्रॉफिक तीन टाइप के होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, दैट इज पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम देखने वाले ऑटोट्रॉफिक। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज अ फोटोसिंथेटिक एंड सेकेंड इज अ केमोसिंथेटिक। ओके, इस फोटोसिंथेटिक के अंदर अगेन हमको दो टाइप के सब टाइप देखने मिलते हैं, दैट इज फोटोलिथोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज अ फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी बात फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए। तो अगर हम बात करें केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए तो यहाँ पे हमको अगेन दो सब टाइप देखने मिलते हैं। वेरी फर्स्ट इज अ केमोलिथोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज अ केमो ऑर्गेनोट्रॉफिक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम वापस से चलते हैं इस फोटोसिंथेटिक के पास जहाँ पे दो टाइप देखने मिले। तो जो फर्स्ट सब टाइप है दैट इज फोटोलिथोट्रॉफिक, इसके अंदर अगेन हमको दो सब टाइप और देखने मिलते हैं, दैट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज अ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, एंड अगर हम वापस यहाँ पे बात करते हैं इस फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक के लिए, तो इसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया ही देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कहानी फोटोसिंथेटिक के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमोसिंथेटिक के लिए, तो उसके अंदर जो केमोलिथोट्रॉफिक था इसके अंदर हमको अगेन चार सब टाइप देखने मिलते हैं, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एंड द हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ओके, लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं केमो ऑर्गेनोट्रॉफिक के लिए तो वहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ मिथेन बैक्टीरिया ही देखने को मिलता है। तो ये था सिंपल सा क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स अंडर द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। चलिए अब इन सभी को वन बाय वन समझते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का वो था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या इसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो इन बैक्टीरिया के अंदर हमको स्टूडेंट्स दो टाइप के क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो है पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स बोलते हैं, जिसके वजह से जो ये बैक्टीरिया हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट इज अ बैक्टेरियो क्लोरोफिल एंड सेकेंड इज अ बैक्टेरियो विरिडिन। ये दो टाइप के क्लोरोफिल है जो कि हमको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन क्लोरोफिल की हेल्प से ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, एंड उसके लिए इनको लाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस होती है सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होती है। बट डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स प्लांट्स एंड इस बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर जो हाइड्रोजन मिलता है वो हाइड्रोजन वाटर का नहीं होता है। जैसे कि हमने देखे थे कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर की वजह से होता है, बट इन बैक्टीरियाज के अंदर जो हाइड्रोजन हमको मिलती है वो वाटर से नहीं मिलती है, बल्कि ये हमको मिलता है सल्फर के कंपाउंड से। ओके स्टूडेंट्स, अब सीधी सी बात है क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो लिब्रेट नहीं होती जैसे कि प्लांट्स में होता है। तो ओवरऑल तो कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट्स, सिंपल से टर्म में मैं आपको यही बोलूँगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते तो हैं, लाइट के प्रेजेंस में ही करते हैं, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो उनको वाटर से नहीं मिल करके सल्फर के कंपाउंड से मिलती है, एंड इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो नहीं निकल पाती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं या फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं,
इसके अंदर अगेन हमको दो टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज अ फोटो लिथोट्रॉफिक जो कि हमने अभी आपको बताए थे, एंड सेकेंड इज अ फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये फोटो लिथोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इन बैक्टीरियाज में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो सोर्स होता है वो हमको मिलता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ओके, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी केमिस्ट्री की वीडियो देखे होंगे जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको एक बार समराइज करता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे कार्बन जो है दूसरे एटम जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से इजीली अटैच होकर के कंपाउंड बना पाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वहाँ पे जो है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन बैक्टीरियाज में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो सोर्स होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एंड इस कार्बन एंड हाइड्रोजन का वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ओके, तो बेसिकली जो ये फोटोलिथोट्रॉफिक हैं इनके दो टाइप और देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज अ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज अ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो पहले समझते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को। तो इन बैक्टीरिया में होता क्या है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पे रिडक्शन होता है, एंड ये रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ H2S से। ओके, यानी कि यहाँ पे किया क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन किया जाता है। ओके, एंड इस रिडक्शन के लिए हेल्प ली जाती है H2S की, एंड ये जो प्रोसेस है वो लाइट के प्रेजेंस एंड बैक्टेरियोविरिडिन जो कि एक टाइप का क्लोरोफिल है अभी हमने आपको बताए थे। ओके, तो इनके प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो पाती है। तो अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, तो एग्जांपल यहाँ दिया है दैट इज क्लोरोबियम, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसकी रिएक्शन को देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने देखे थे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ H2S, तो यहाँ पे CO2 एंड H2S की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड द बैक्टेरियोविरिडिन जो कि क्लोरोफिल होता है। इस रिएक्शन से हमको मिलता है C6H12O6 विच इज अ ग्लूकोज एंड 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 12 एटम्स ऑफ द सल्फर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इन बैक्टीरियाज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही रिडक्शन होता है, बट यहाँ पर H2S के बदले दूसरे सल्फर कंपाउंड को लिया जाता है। ओके, एंड ये जो प्रोसेस होती है वो लाइट के प्रेजेंस में प्लस बैक्टेरियो क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होती है। बैक्टेरियो क्लोरोफिल एक टाइप का क्लोरोफिल होता है। तो अगर इसके एग्जांपल के लिए बात करें कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, तो वो है क्रोमेटियम। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसकी रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ Na2S2O3 कंपाउंड से विच इज़ अ सल्फर कंपाउंड, एंड साथ में यहाँ पे वाटर की भी हेल्प ली जाती है। एंड ये जो रिएक्शन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड द बैक्टेरियो क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होती है। एंड हमको यहाँ पे कंपाउंड जो देखने मिलते हैं जो प्रोडक्ट है वो होंगे C6H12O6 प्लस 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर एंड प्लस 6 मोलिक्यूल ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बेसिकली फोटोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। चलिए बात करते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। तो बेसिकली फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ओके, एंड इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनको हाइड्रोजन मिलता है। एंड अगर इसके अंदर मेन एग्जांपल की बात करें तो जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो ही मेन एग्जांपल है इस फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। ओके, अगर एग्जांपल के लिए बात करें कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, तो हमको देखने मिलता है रोडोस्पाइरिलम। ओके, तो ये जो रोडोस्पाइरिलम बैक्टीरिया है ये यूटिलाइज करता है नॉन सल्फर कंपाउंड्स को जैसे कि एल्कोहल हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, इनकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है रिडक्शन करता है। तो यहाँ पे जैसे अगर इसकी रिएक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन करवाई जाती है एक एल्कोहल के कंपाउंड से, दैट इज CH3CHOH एंड CH3। इसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड को प्रोपेन टू ऑल। ओके, तो ये प्रोपेन टू ऑल से जब रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे वो लाइट एंड पिगमेंट के प्रेजेंस में हो रही है। एंड जो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट्स वो है C6H12O6 विच इज अ ग्लूकोज। इसके अलावा हमको CH3CO CH3 विच इज अ प्रोपेनोन है, ये एज अ कंपाउंड मिलता है प्रोडक्ट में। एंड हमको वाटर मोलिक्यूल्स भी मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमने जो डिस्कस किए थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, जो कि सेकेंड सब टाइप है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं करने वाले। बट इसके बावजूद स्टूडेंट्स ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। ओके, तो बात यह आती है स्टूडेंट्स कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ये किस तरीके से अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं उस एनर्जी को जो कि रिलीज होती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जब ये ऑक्सीडेशन करते हैं। तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था वहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, ओके, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तो ये जो है ये ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन करता है, एंड ये जो ऑक्सीडेशन है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का होता है। उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज करके ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ओके, इस वजह से इन बैक्टीरियाज को लाइट एंड पिगमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो दो टाइप हमको देखने मिलते हैं, फर्स्ट इज अ केमोलिथोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज अ केमो ऑर्गेनोट्रॉफिक। तो चलिए सबसे पहले कवर करते हैं केमोलिथोट्रॉफिक को। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस तो करते हैं, पर उसके लिए जो एनर्जी इनको मिलती है वो एनर्जी मिलती है कहाँ से? जब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे इनको एनर्जी मिलती है, एंड उस एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड जब इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे हमको ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। तो सबसे पहला बैक्टीरिया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत फेमस बैक्टीरिया है, दैट इज नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया जो है एनर्जी गेन करता है जब वो अमोनिया का ऑक्सीडेशन करता है। ओके, यानी कि अमोनिया के ऑक्सीडेशन से इनको एनर्जी मिलती है, एंड जब इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे नाइट्राइट जो है वो हमको एज अ प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि अमोनिया है, अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन किया गया तो हमको मिलता है NO2 प्लस 2H2O प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकलते हुए दिख रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो NO2 है यही हमारा नाइट्राइट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको नाइट्राइट एज अ प्रोडक्ट मिल चुका है। तो इस कंडीशन पे जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स वो इस एनर्जी का यूज करके इस नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन करता है अगेन, एंड हमको मिलता है NO3 प्लस वहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एंड इस एनर्जी का यूज करते हुए केमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन करके अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में। चलिए बात करते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज सल्फर बैक्टीरिया। तो ये जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर के कंपाउंड्स को जो कि प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, एंड वहाँ से फिर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को वो यूज़ करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा जब सल्फर के कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है तो उस केस में सल्फर जो है वो लिब्रेट होती है इस प्रोसेस में, एंड इस सल्फर को फिर से कन्वर्ट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, दैट इज H2SO4 में, एंड उसके बाद भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि ये बैक्टीरिया यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि ऐसे कौन से सल्फर बैक्टीरिया हैं। सो वेरी फेमस इज अ बेगियाटोआ। ओके, तो चलिए अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फर के कंपाउंड होते हैं दैट इज H2S लिया गया है, इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है तो हमको यहाँ पे सल्फर मिल रही है प्लस वाटर मिल रहा है प्लस एनर्जी मिल रही है। अब अगेन इस सल्फर को यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में जहाँ से हमको और एनर्जी मिलने वाली है। तो इस सल्फर को कन्वर्ट करने के लिए H2SO4 में यहाँ पे वाटर की हेल्प ली जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प ली जाएगी जिससे हमको H2SO4 मिलेगा, देन 3 मोल ऑफ CH2O मिलेगा एंड 3 मोलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेगा, प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि ये बैक्टीरिया यूज़ कर लेंगे। थर्ड टाइप है आयरन बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में। ओके, जब फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एंड इस तरीके से वहाँ पे एक ऑर्गेनिक मैटर बनता है जिसके थ्रू बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे दो टर्म आए स्टूडेंट्स, फेरस कंपाउंड एंड द फेरिक कंपाउंड। फेरस कंपाउंड जहाँ पे इस आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होता है।
ओके, तो इसको हम बोलते हैं फेरस। एंड अगर इस एफ ई पे थ्री आ जाए, ओके थ्री चार्ज आएंगे तो ये हो जाएगा फेरिक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वही किया जाता है कि जो फेरस कंपाउंड है दैट इज आयरन हाइड्रोक्साइड, उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा के एंड ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये जो फेरस कंपाउंड है इससे हमको फेरिक कंपाउंड मिल जाएंगे, प्लस वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे ये जो हमको कंपाउंड मिल रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आयरन बैक्टीरिया के बारे में। फोर्थ जो टाइप है इसके अंदर वो है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो ये जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं ये एनर्जी को गेन करते हैं जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं वो है हाइड्रोजन मोनास। ओके, ये क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करते हैं जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल बनता है, प्लस वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, दैट इज केमो ऑर्गेनोट्रॉफिक। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। एंड अगेन इसके लिए पॉइंट वही है कि ये भी फोटोसिंथेसिस का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है एनर्जी यूटिलाइज करते हैं जब भी ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन नहीं किया जाता है बाय द केमो ऑर्गेनोट्रॉफिक। ओके, कीप इन माइंड, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन से ही एनर्जी रिलीज होती है एंड उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ही बैक्टीरिया जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं, सो वेरी फेमस इज अ मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये जो मिथेनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है ये ऑक्सीडाइज करता है उस मिथेन गैस का एंड ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर को फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि मिथेन गैस है उसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल हमको मिलने वाला है, प्लस बहुत सारी वहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होने वाली है। तो इस क्लास के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो कौन कौन से हैं, तो एसिडोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, इस टाइप के बहुत सारे बैक्टीरिया इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।